ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 15। द वैल्यू ऑफ रूट 32 प्लस रूट 48 अपॉन रूट 8 प्लस रूट 12। ये सॉल्विंग का क्वेश्चन है यार। आपको ये ना स्क्वायर रूट वगैरह खोलना आते हैं यार? मैं सोच रहा हूँ एक ना स्क्वायर रूट वगैरह खोलने की भी एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँ। कुछ बच्चे जिनको स्क्वायर रूट में कन्फ्यूजन हो रहा है, उनको दिक्कत आ रही होगी। तो देखो, स्क्वायर रूट ऐसे खोलते हैं, 32 है ना, तो 32 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दूसरे कलर से लिखते हैं। 32 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 16 इंटू टू प्लस, ये 48 है तो 48 को मैं लिख सकता हूँ 16 इंटू थ्री, स्क्वायर रूट के अंदर ही चल रहा है, 16 थ्री जब 48 होता है ना। अपॉन में ये 8 है, 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 इंटू टू प्लस, ये 12 है, 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 इंटू थ्री। मतलब बात समझ में आ गई। अब आप क्या करो, आपको पता है ना ये 4 का स्क्वायर है, और जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से जब बाहर आता है तो बाहर आ सकता है, जो स्क्वायर होता है। तो 4 का स्क्वायर बाहर आके 4 हो जाएगा, तो ऊपर बनेगा 4 रूट 2, इधर बनेगा, इधर भी 16 जो 4 का स्क्वायर है तो 4 बाहर आ जाएगा स्क्वायर होके 4 रूट 3। नीचे ये 4 जो है 2 का स्क्वायर है, तो जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाते हैं, ऐसे होता है। देखो स्क्वायर रूट यहाँ समझा ही देता हूँ। ये देखो ये 16 है, थोड़ा सा एक मिनट समझ लो, ये 16 है, तो 16 को मैं ऐसे 4 स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ये स्क्वायर से रूट कट जाता है तो बचेगा 4, तो वही करा हमने ये, तो 4 बचेगा और रूट 2 अंदर रह गया। सिमिलरली ये 4 है 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर 2 ही रह जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर 2 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर ये 3 रह जाएगा। ये सॉल्विंग का क्वेश्चन है बेसिकली, 2 रूट 3। बस अब इसको आगे सॉल्व करो, यहाँ से ऊपर से 4 कॉमन ले लो, इसको तो हटा दो, ये थोड़ा सा मैं आपको स्क्वायर रूट समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, इसको सॉल्व कर दो बस। अब ये आपके कैलकुलेशन और मैथ्स के क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ से इसको जब आप 4 कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, रूट 2 प्लस रूट 3, और नीचे से यहाँ 2 कॉमन ले लो तो क्या बनेगा, रूट 2 प्लस रूट 3, तो रूट 2 प्लस रूट 3 कट जाएगा, बचा आपका 4 अपॉन 2 जो कि 2 2 कट जाएगा, 2 आएगा, ये आ गया बी ए का आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन है सॉल्विंग का है, तो ये आपकी कैलकुलेशन वगैरह का है। मैं कोशिश करूँगा आपको स्क्वायर रूट वगैरह ये सब सॉल्व करने की एक वीडियो बनाऊँ प्रॉपर।